हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग प्राइस लीडरशिप अंडर ओलिगोपोली को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ओलिगोपोली के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओलिगोपोली क्या होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे प्राइस डिटरमिन किए जाते हैं, पीछे वीडियो से उसमें आप देख सकते हैं। होता क्या है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ सारे ओलिगोपोलिस्ट एक कॉलिजन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, तो वहां पर कोई एक फर्म है जो अपने आप को डोमिनेंट फर्म रिप्रेजेंट करती है, यानी एक फर्म है जो कि वहां पर लीडर बन जाती है। यानी फर्म्स बहुत हैं, लेकिन एक फर्म मार्केट में आती है जो कि एज ए लीडर रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, और वो बेसिकली डोमिनेंट फर्म होती है। आप दूसरे शब्दों में उसको कहिए कि प्राइस लीडरशिप टेक प्लेस व्हेन देयर इज ओनली वन डोमिनेंट ओलिगोपोलिस्ट इन द मार्केट व्हिच सेट्स द प्राइस एंड अदर्स फॉलो इट। ठीक है, ये कभी कभी एग्रीमेंट से भी किया जाता है, यानी सारे ओलिगोपोलिस्ट मिलकर भी कर लेते हैं कि सब एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि ये जो है वो प्राइस डिसीजन लेंगे और सब फॉलो करेंगे। ये फॉर्मल भी होता है एग्रीमेंट और नॉन फॉर्मल भी होता है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि अगर वो नॉन फॉर्मल है तो आप उसको फॉलो करें या ना करें। लेकिन क्यों एक फर्म को मान लिया जाता है कि ये लीडर है? कभी कभी फॉर्मल भी होता है, सारे ओलिगोपोलिस मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है इस फर्म को हम ये काम दे देते हैं। वजह होती है कि वो फर्म सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट फर्म होती है, लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं उसके अंदर, और उस वक्त की एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास होती है, उसके पास अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो डिमांड फोरकास्ट अच्छी तरीके से करता है। यही सारी चीज़ें होकर बाकी ओलिगोपोलिस मान लेते हैं कि इसको हम लीडर मान लेते हैं और इसी के डिसीजन पे हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये ओलिगोपोलिस कैसे काम करे, ये सिस्टम काम करेगा कैसे, इसके लिए जाहिर है कुछ कंडीशन होनी ज़रूरी है। कंडीशन ऑफ प्राइस लीडरशिप अंडर ओलिगोपोली, तो देखिए पहली तो कंडीशन यही है कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फर्म होंगी तो फिर ये सिस्टम काम नहीं करेगा। और वैसे भी ओलिगोपोली अपने आप में एक ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक है, देयर आर फ्यू फर्म्स, तो बहुत ज्यादा फर्म्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, एंट्री जो है इंडस्ट्री के अंदर फर्म की वो रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ऐसे नहीं है कि कोई भी फर्म जाए और ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करे और इंडस्ट्री में एंटर कर जाए, यहां रेस्ट्रिक्शन से तभी आप स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज है कि सारी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, सारी फर्म एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तभी तो ओलिगोपोलिस हैं वो। एक ओलिगोपोली के अगर आप बात करें तो कुछ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, वही ओलिगोपोलिस होते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर, सॉरी चौथी चीज इसके अंदर आ जाती है, जो डिमांड है, हम ये मान के चल रहे हैं कंडीशन है कि जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, प्राइस के बहुत ज्यादा चेंज होने पर डिमांड पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, ये मार्केट में हम मान के चल रहे हैं। और पांचवी बात ये लास्ट वाली कि दोनों फर्म्स, जो भी मार्केट में फर्म्स हैं, वो सिमिलर कॉस्ट कर्व शेयर करती हैं। सिमिलर कॉस्ट कर्व, ठीक है, यानी जब एक फर्म एज ए प्राइस लीडर बन जाएगी और एक प्रूफ करेगी कि मैं प्राइस लीडर हूं, तो इस थ्योरी के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए जिनके होने पर ही वो फर्म प्राइस लीडर बन सकती है।
थोड़ी फर्म होनी चाहिए. एंट्री मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, मीन्स द जनरली द स्मॉल फर्म्स डू नॉट अलाउ टू इंटर इन टू द इंडस्ट्री एट एनी टाइम. ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिमांड इन द मार्केट इज इन इलास्टिक एज वेल एज बोथ द फर्म्स और ऑल द फर्म्स इन द ओलिगोपोली हैविंग द सेम कॉस्ट कर्व. ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप की बात करते हैं. तो देखिए, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप: डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप एंड एक्सप्लॉइटेटिव और एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप. इसमें पहले अगर हम डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप की बात करें तो इसके अंदर यहां सिर्फ एक फर्म होती है जो पूरी मार्केट को या इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है. एक फर्म बड़ी होती है जो सारी की सारी फर्म्स को या सारी पूरी मार्केट को या पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है. एंड अंडर दिस डोमिनेंट प्राइस स्ट्रेटेजी अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइसेस. जो प्राइस लीडर फर्म सेट करेगी बस उसी पर इनको अपना काम करना होता है. और इसमें ऐसा भी होता है कि जो हम ओलिगोपोलिस्ट है वो अपनी मोनोपोलिस्ट पावर को यूज करता है और अपने हिसाब से हाईएस्ट प्राइसेस को सेट करता है. जो फॉलोअर्स हैं उनको उस प्राइस को देखते हुए अपने आउटपुट को एडजस्ट करना पड़ता है, बट एनी हाउ दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइसेस. ठीक है, इसी वजह से क्योंकि इसमें एक टाइप की मोनोपोली आ जाती है तो इसको हम पार्शियल मोनोपोली भी कहते हैं. इसको हम पार्शियल मोनोपोली भी कहते हैं और ये जनरली मिल जाती है हमें प्रेजेंट लाइफ में भी. नेक्स्ट है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप. बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में इस बेसिकली होता यह है कि कोई एक फर्म बड़ी है थोड़ी, लेकिन वो लीडर, बाकी फर्म उसको लीडर नहीं मानती, लेकिन वो एक प्राइस को सेट कर देगी और फिर एक्सपेक्ट करती है कि बाकी सारी फर्म उसी प्राइस को फॉलो करेंगी. ठीक है, अब बाकी फर्म को अगर वो बेनिफिशियल लगता है तो वो फॉलो करती हैं, अगर उनको फायदा नहीं दिखता तो वो फॉलो नहीं करती. इस तरह की प्राइस लीडरशिप को हम बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप करते हैं. होता ये है इसमें कि जाहिर है जो एक फर्म प्राइस को चेंज कर रही है वो बेसिकली मार्केट की कंडीशन को चेंज करना चाहती है. ठीक है, अब अगर बाकी फर्म्स को उसमें फायदा है तो करें, जिनको नहीं है ना करें. लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसने उठाकर बस ऐसे ही तय कर दिया. कोई फर्म अगर प्राइस को चेंज कर भी रही है तो जाहिर है उसने कुछ रिसर्चेस करी होंगी, कुछ फोरकास्टिंग की होगी प्राइस की, कॉस्ट की, और उस हिसाब से डिमांड फोरकास्टिंग की होगी, उसी हिसाब से उसने चेंज की है. लेकिन बाकी जाहिर जो दूसरी फर्म्स हैं वो उसको लीडर नहीं मानती हैं, तो इफ दे थिंक द चेंज प्राइस इज बेनिफिशियल फॉर देम वो चेंज करेंगे, अदरवाइज दे कैन डिनाई. ठीक है, तीसरी होती है एक्सप्लोइटेटिव और एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप. ये बहुत खतरनाक है. इसके अंदर जो डोमिनेंट फर्म होती है, जो बड़ी फर्म है, जाहिर है जिसके वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हाई टेक्नोलॉजी अच्छी इस्तेमाल कर रही है, वो जब लीडर बनती है तो वो कहती है कि दूसरी फर्म्स को कि एनी हाउ विलिंगली और अनविलिंगली यू हैव टू फॉलो माय ऑर्डर्स और व्हाट द डिसीजन आई हैव टेकन यू नीड टू फॉलो दिस. वो थ्रीट करती है, बाकायदा थ्रीट देती है बाकी फर्म्स को कि तुम्हें यही फॉलो करना है. ठीक है, अब आप विलिंगली कर लो या अनविलिंगली कर लो. तो इसको हम लोग एक्सप्लॉइटेटिव और एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप कहते हैं कि मैंने जो प्राइस सेट किए हैं यू हैव टू फॉलो दीज प्राइसेस. अपने आउटपुट को कम बढ़ती कर लो लेकिन प्राइस को चेंज नहीं करोगे, करोगे तो इंडस्ट्री से बाहर चले जाओगे. जो भी वो ट्रीट करने के तरीके हैं उनको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा यहां पे. ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स हैं करते हैं. अब हम फिगर के जरिए देखेंगे कि इस प्राइस लीडरशिप के अंदर किस तरीके से प्राइस को डिटरमिन किए जाते हैं, यानी प्राइस लीडर किस तरह से प्राइस को डिटरमिन करता है. तो उसके लिए मैं फिगर बनाता हूं, फिर शुरू करते हैं. तो चलिए इस फिगर से समझते हैं कि किस तरीके से प्राइस लीडरशिप में आउटपुट डिटरमिन किया प्राइस आउटपुट डिटरमिन किया जाता है. देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बहुत मॉडल दिए हैं इस प्राइस लीडरशिप के, प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन के. ये एक सिंपलेस्ट मॉडल है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ.
देखिए ये हमारे पास कुछ हमने कंडीशन लेके चले थे वहां कि हमारे पास दो फर्म हमने यहाँ पर दो फर्म हमने ली हैं सोहली का पुली के अंदर, और दोनों का जैसे हमने लिया था कि डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू सेम है दोनों का, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मार्केट की कंडीशन दोनों के लिए सेम है। जाहिर है कॉस्ट दोनों की अलग अलग हो सकती है, तो ये फर्म टू है इसकी ये कॉस्ट है और ये फर्म वन की कॉस्ट है, ठीक है। अब अगर ये दोनों अपना इक्विलिब्रियम और प्राइस आउटपुट डिटरमिन करते हैं तो फर्म वन का ये इनका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, तो यहां पर ये क्यू और पी यानी क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी फर्म वन और पी पर बेचेगी, और अगर हम फर्म टू की बात करें तो वो क्यू वन और पी वन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि ये फर्म वन जो है ये लीडर है, फर्म वन लीडर है। अब फर्म वन ने क्या किया कि अपने प्राइस को पी पर फिक्स कर दिया, क्यू क्वांटिटी पर पी प्राइस को फिक्स कर दिया, उसने कहा कि मैं लीडर हूं और ये जो पी प्राइस है ये फिक्स है। अब जो फर्म टू है उसको देखिए, उसके तो प्राइस ज्यादा थे और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, इस हिसाब से उसके प्राइस ज्यादा है, लेकिन चूंकि लीडर फर्म वन है तो उसको अपने प्राइस रिड्यूस करने पड़ेंगे, उसको अपने प्राइस रिड्यूस करने पड़ेंगे और पी पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो लीडर फर्म है उसने पी प्राइस सेट किए हुए हैं। अब जाहिर है यहां पर जैसे बताया था कि ये तरह की मोनोपोली होती है, तो उसने अपने हिसाब से अपना मैक्सिमम आउटपुट लेकर प्राइस सेट कर लिए, लेकिन अब ये दूसरी फर्म जो है क्योंकि उसकी तो कॉस्ट ज्यादा है तो उसका एक तो आउटपुट कम हो गया नंबर एक, नंबर दो उसका प्राइस भी नीचे आ गए, यानी उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है और उसका आउटपुट भी कम हो गया, तो इस तरीके से जो फर्म बी है वो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा नुकसान उठाएगी और फर्म वन जो है वो फायदे में रहेगी, ठीक है, समझ गए इसको कि ये दो ये एक फिगर है, दोनों के मार्जिनल कर्व है, यहां दोनों मिल रहे हैं, फर्म वन अपने प्राइस को सेट करेगी क्यू क्वांटिटी पर पी सेट करेगी और प्रेशराइज करेगी फर्म टू को कि वो अपने प्राइस घटाकर फर्म वन के प्राइस पर यानी पी पर ले आए। अब ये दोनों पी पर ही बेचेंगे अपनी अपनी क्वांटिटी, ठीक है, तो सिंपल है ये, सादा है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, ठीक है, थैंक यू सो मच।